हम ब्रेड कुल्फी बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही क्रीमी है और ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए हम कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 3 स्लाइसेज ऑफ ब्रेड लिया है। अब हम इसका एजेस को कट कर देंगे। मैंने इसके साइड वाला पार्ट अलग कर लिया है। आप इसे स्टोर करके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। हमें इस व्हाइट वाले पार्ट को ब्लेंड करना है तो हम मिक्सर जार में इसे डाल देंगे। अब हम इसे ब्लेंड कर देते हैं। मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है तो हम कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई में 1/2 लीटर दूध डालने। दूध को हमें बॉईल करना है तो हम इसे बॉईल होने को छोड़ देते हैं। दूध बॉईल होने लगा है तो हम इसमें चीनी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी चीनी ली है। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। चीनी हमारी डिजॉल्व हो गई है तो अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद दूध अब हमारा गाढ़ा हो गया है तो हम इसे थोड़ी देर और पकाते हैं। देखिए मैंने इसे थोड़ी देर पका लिया है तो अब ये दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है तो हम यहाँ 2 चम्मच काजू, बादाम और किशमिश डाल लेते हैं। मैंने सभी को चॉप करके डाला है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी कुल्फी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है, ये गाढ़ा हो गया है। अब हम इसकी कुल्फी जमाएंगे। मैं इसमें 2-3 बूंद फूड कलर डाल दे रही हूँ। अगर आप अच्छा कलर चाहते हैं तो डालें, वरना ये ऑप्शनल है। इससे कुल्फी में एक अच्छा कलर आ जाएगा। तो देखिए हमारी कुल्फी का कलर आ गया है। तो चलिए अब हम इस कुल्फी को जमाएंगे। हम कुल्फी को मोल्ड में डाल रहे हैं। मैंने कुल्फी को मोल्ड में भर दिया है तो अब हम ढक्कन लगाकर इसे जमा लेंगे। अब हम इसे 8 घंटे तक फ्रिज में जमा लेंगे। कुल्फी फ्रिज हो गई है और अच्छे से सेट हो गई है तो अब हम इसे फ्रिज से निकाल लिए हैं और अब हम इसे मोल्ड से अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे पानी में डालते हैं। अब हम पानी से हटाकर इसे निकालेंगे। तो देखिए कुल्फी निकल गई है। हम इसी तरह से सभी कुल्फी को निकालेंगे। देखिए कुल्फी मैंने निकाल ली है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो देखिए हमारी कुल्फी तैयार है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।